अगर आपके पास कोई स्थायी निवास नहीं है और आप अपना घर बनवाने की इच्छा रखते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों को स्थायी आवास प्रदान करना है। ये अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदलने, उन्हें अस्थायी आवासों से मुक्त करने और उन्हें उचित घर की सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि पीएम आवास योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और इसके साथ ही सारी वो जरूरी जानकारी जिससे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में मदद मिल सकती है। पीएम आवास योजना देश भर में गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर खड़ी है, तो उन्हें स्थायी निवास का मालिक बनने की संभावना प्रदान करती है। ये व्यापक योजना शहरी और ग्रामीण दोनों निवासियों की जरूरतों को पूरा करती है ताकि समाज के किसी भी वर्ग की अनदेखी ना हो। वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकार कम आय वाले व्यक्तियों को अपना घर बनाने, स्थिरता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का अधिकार देती है। आपको बता दें कि ये सहायता पात्र लाभार्थियों को किस्तों में वितरित की जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले योजना के लिए पंजीकरण करना होगा। हर एक आवेदन को अपनी पात्रता के लिए गहन सत्यापन से गुजरना पड़ता है। इस कठोर प्रक्रिया के बाद ही सरकार की उदार पहल के सौजन्य से योग्य व्यक्तियों को घर के स्वामित्व के अपने सपने को साकार करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान होती है। घर निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए योग्य नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है। पीएम आवास योजना घर निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए योग्य नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है। विशेष रूप से इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए या फिर 2,50,000 रुपए मिलते हैं। सब्सिडी की राशि के भीतर प्राप्तकर्ता की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। आवास निर्माण के लिए निर्धारित ये वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT सिस्टम के माध्यम से सीधे पात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो आवेदकों की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास पहले से ही स्थायी निवास नहीं होना चाहिए। योग्य आवेदकों के पास गरीब रेखा से नीचे यानी कि BPL कार्ड होना चाहिए जो उनकी आर्थिक आवश्यकता को दर्शाता हो और उन्हें सरकारी सहायता के लिए योग्य बनाता हो। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही आप इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, होम पेज पर पीएम आवास योजना लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें। मेन्यू से पंजीकरण विकल्प चुनें, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करके पंजीकरण फॉर्म पूरा करें। निर्देशानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करें और अपलोड करें। अंत में सबमिट का ऑप्शन का चयन करके अपना आवेदन जमा करें। तो अगर आपको भी एक पक्के मकान की जरूरत है तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इसके साथ ही आप इस योजना के लिए एलिजिबल होने चाहिए। इस योजना से जुड़े अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पक्का मकान नसीब हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।